जब आपको सक्सेस मिलता है तो उसकी खुशी अगर केवल आपको अकेले को अगर होती होगी देन दैट इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है और खुशी होती है तो आपसे ज्यादा आपके साथ काम करने वाले जो छोटे बड़े लोग हैं उनको आपसे भी ज्यादा खुशी होती है देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सक्सेस। तो मैं पहली बात कहूंगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो। परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अगेन मुझे वो एक बार ऐसे ही मैं नागपुर में काम करता स्टूडेंट लीडर था से में तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे मेरे मित्र थे बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन यू आर ए गुड पर्सन यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊँगा क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो बोले ये तुम्हारी पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है। नहीं तो नहीं है। तो उस समय मुझे एक आईआईटी में मेरा दोस्त गया था और हम लोग चुनाव हारते थे तो उसने मुझे एक किताब दी थी वो रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी और उसमें बहुत सुंदर वाक्य था जो मैंने लाइफ में याद रखा जो मेरे लिए उपयोगी था आपको भी उपयोगी होगा। उसने कहा था द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। तो लड़ना चाहिए और लड़ने की में पॉजिटिविटी चाहिए। अहंकार एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दो शब्दों में अंतर है। आत्मविश्वास होना चाहिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए पर अहंकार और अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम अधिक उत्तम सर्वोत्तम फॉर इन्फिनिटी। छोटे छोटे लोगों से बहुत सी बातें सीखने के लिए मिलती है और मैं ये मानता हूँ कि अच्छाई पर क्वालिटी पर किसी का पेटेंट नहीं है। तो हमारे ही दोस्त मित्रों के साथ बात करते करते बहुत सी नई नई बातें हमको सीखने के लिए मिलती है और वो हमारे पर्सनैलिटी में अगर हम ला सकें तो दैट कैन बी ए गुड प्रोसेस बाई विच हम अपने को सुधार सकते हैं।